नानी कोई देखा भाई जी क्या चौथो सही बात है बिल्कुल। तीन युग चला गया और चौथ युग चाल रही कलयुग। कलयुग ने मैंने थोड़ी सी भाई थोड़ी सी हल्की सी। हेलो धन्यवाद जय जयकार हो तारा सिंह जी। हमारे बड़े ही सिद्ध गुरु के साउंड गुरु कृपया साउंड सिस्टम हमारे भाई साहब तारा सिंह जी के पास थोड़ी सी तालियां बजाइए। बहुत सुंदर साउंड लगाते हैं। अन्य चाय पिला दो जितने मैं एक बात बोल दूं। तो सजनों तीन युग चला गया और चौथ युग चाल रही है कलयुग। कलयुग के बारे में बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी नागौर जिले धुराराम जी भी कलयुग के बारे में बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी। और विशेष तौर माता बहनों वो भजन धारे वास्ते भी है थाना भी बहुत सुंदर लाग रही क्योंकि बहुत सुंदर अच्छी ज्ञान की बात है। इनमें जागरण में आवा थोड़ी देख नाचा कूदो तो हुई है बालाजी महाराज री कीर्तन हुए तो एक दो थोड़ी बहुत कोई ज्ञान री चर्चा री हुए तो ठीक है नहीं तो दे गए लंबे लंबे जीटा पदेड़ो के टको जो पूरी रात कूदो बॉबी नहीं हुई चाहिए थोड़ी बहुत ऐसिया के आठोड़ो की जानो तो भजन तो ठीक ही गो एक दो ही गया पर भजन तो दो यवा मेरे पर गया ठीक है। तो आई गुरु महिमा पहली गई गुरु महिमा देखो गुरु अच्छो होनो चाहिए वे गुरु री बात ले रहा है पीछे पाछे कलाकार चाय पिए वाते थोड़े तो 5 मिनट को ब्रेक है। एक कोई चोट लिया रुपया ले लिया रुपया इतालिया 1000 चौधरी जी अनपढ़ आदमिया सीधा साधा आदमिया और 1000 रुपया ले लिया सेठा लिखता 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 1000 का 50000 रुपया कर दिया। चौधरी जी ने जमानो योगो ने काफी साल बीत गया सेठ बोलिया चौधरी जी 50000 रुपया हो गया हमारा रुपया दो। चौधरी जी बोलिया सेठा 1000 रुपया का कोई 50000 रुपया दीजिए कदी नहीं दीजिए। शेठ बोलिया रुपया नहीं देवे तो मैं मुकदमो कर दे बोलियो बो अपने कोरट पापड़ी कचेड़ी और बो अपने थानो जाओ जिया कर दो रुपया कौन देवा। शेठा चौधरी जी ऊपर रुपया रो कर्जो 50000 रो और ऊपर मुकदमो कर दियो। चौधरी जी घूमता घूमता कोई समझदार जिया अंकल जी बैठे है लिए मोटी पागड़ा अरे मोटी मोटी मुचाला राजस्थान री शान है। आजकल तो भाई ये नहीं मारे प्लेटफॉर्म साफ रखे एक दिन थोड़ा दिन पहले मारे जागण हो थोड़ा दिन पहले 2 साल से ली हो अब तो लॉकडाउन हो ही कौन। अब आज थोड़ा दिन पहले खाजवाड़ में प्रोग्राम करने गया तो बड़े क्या रस्ते के मैंने मारे कलाकार जगह पहली रवाना हो गया। आज मैं एक ही आयो बस के मैं नहीं ए सगड़ा कलाकार बारू पहली आ गया मन लारे छोड़ दिया के तू के करी काम रो है गोरी मैं क्यों यार मनी ले चलो जिमण तो जिमाई बड़े दिल्ले प्यार गूंद यार चोपड़ोड़ा फलका अरे काकड़ी अरे फलेर रो सब्जी चूर चूर जी में लेकिन ले आया कोई मैं लारू आ गया मैं क्यों राम कोनी जागण है बड़े रेवा बालाजी महाराज रो मैं खाजू वाले जाओ रस्ते के मैंने बस में बैठो एक डोकरा चढ़िया बुड्ढे बुड्ढा मुछड़ा अरे मोटी मोटी मुछड़ा रे पाग बांधोड़ी धोती कुर्ता अरे नीचे अंगर क्या पहनेड़ी मारा थोड़ा बाल में छोटा बना लिया मैं थोड़ा पहले लंबा और बच गया लॉकडाउन ने पैसा खत्म हो गया तो हाँ हाँ तो भजन गाओ तो चाय पिए जितने गाओ नहीं अब डोकरा कहीं चलता मेरी क्यों भाई थोड़ी परिया हिलती मैं क्यों भाई कोनी मैं तो भयो हूँ क्यों आजकल में कोई पतो को लगी इसी तो भाई रे सही भाई तो चौधरी जी कहीं करो समझदार आदमी किरदार बोले भाई सेठ हमारे पर केस कर दियो बकाई को सेठ समझदार आदमी बोले तू वकील बना ले बढ़िया और मैं बताऊं तो कब वकील के जा और बहुत हर वकील आ मुकदमो सुलटा दे सी कोई टेंशन को नहीं क्यों तू तो किरो मुकदमो कर दे अब मुकदमो वो क्या रुपया रो केस करो कोर्ट में पहुंच गयो पहुंचता पहुंचता कहीं के वकील है जगह क्यों मैं तीन सवाल पूछू तीन सवाल रो जवाब देना बोलो ठीक है। वकील है जगह चौधरी साहब ने हटा दिया बोलो वकील साहब ने जद पूछे कि आपने सेठों से रुपया लिया बोलो फुर बोलो कितना लिया बोलो फुर बोले पैसा दे दे बोलो फुर। चौधरी जी तीन सवाल रट दिए एकदम जाए खड़ा हो गया बेटे जद साहब पूछो के सेठा ने जानो चौधरी जी बोलिया फुर बोलो रुपया लिया अगनू बोलो फुर बोले पाछा दे दे नहीं तो मामलो गड़बड़ो दी बोलियो फुर। अब कही हो के जका वकील साहब आज का मांग यो 5000 में थरो सलता दे थोड़ा सा बार आया चौधरी जी और वकील साहब बार बोले भाई बे मेरा 5000 रुपया बोलो की साहब 5000 रुपया थाले 5000 रुपया फुर बोले फुर काम को चले बोले फुर तो 50000 रुपया फुर हुए देखो केने रो मतलब है जीता भी भगतो बालाजी महाराज रो कीर्तन
आपने कोई भी जाइजो मती भजन अलग अलग कलाकार आपने और बढ़िया बढ़िया भजन सुना मेला मारा भजन सबसे नहीं है तो मैंने कह दिया मैं माइक पर ही राख दे एक ही बड़ो सुंदर भजन है चाय पी लिया आप भाई